में हम करेंगे ये प्रॉब्लम एरे गेम. दिस वाज आस्क्ड इन कोड फोर्सेस राउंड 914 जो कुछ दिन पहले हुआ था. आई थिंक फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, आई डोंट नो एग्जैक्टली. आई थिंक 9th दिसंबर, या 9th दिसंबर को दिस कॉन्टेस्ट वॉज देयर. उसका सी प्रॉब्लम है एंड इसमें लेट्स सी क्वेश्चन में क्या गिवन है. यू आर गिवन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स. एक ऑपरेशन में यू कैन पिक अ पेयर आई कॉमा जे सच दैट लाइक आई इज लेस देन जे एंड इट इज लेस देन लेंथ. या बेसिकली टू सेपरेट इंडेक्सेस एंड अपेंड द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस एट द एंड ऑफ एरे. सो वी इंक्रीज एन, मतलब साइज ऑफ एरे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐड कर दिया है. Your task is to minimize and print the minimum value of A after performing K operations. ठीक है. तो basically you want to minimize this value. कि array की जो minimum value है वो minimize कितनी हो सकती है. Like you want to try to make it as small as possible. But ये operation थोड़ा सा ध्यान से देखो. तुम देखो small क्या होता है, small value क्या होती है. ऐसे देखा जाए तो जीरो भी एक स्मॉल वैल्यू है, बट नेगेटिव वैल्यूज उससे भी स्मॉल है. कि -1, -4, इफ आई कैन मेक दिस समथिंग लाइक -100 या -1000 तो बहुत ही अच्छी वैल्यू होगी. बट कैन यू डू समथिंग लाइक दैट. क्योंकि एरे में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, बट व्हाट यू आर एडिंग इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. क्योंकि यू आर एडिंग समथिंग मॉड्यूलस ऑफ समथिंग, यू आर एडिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ समथिंग. तो वो समथिंग चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता. जब वो मॉड्यूलस ऑपरेशन के अंदर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट. तो व्हाट एवर यू आर अपेंडिंग टू एरे इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो द एरे इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इंटीजर. सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. कि यार पॉजिटिव में मैं मिनिमम कितना बना सकता हूँ. मतलब एक्चुअली तुम जीरो बना सकते हो, बट जस्ट इसकी ये मॉड्यूलस है ना, तो 5 - 5 इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मॉड इक्वल टू जीरो. सो how can we create zero? So this is the minimum possible value. Now you have to see ki kya main zero bana sakta hu ya nahi. Agar zero bana sakta hu, so that is the answer. If you cannot make the zero, then what will be the answer? Then you have to figure out. To iske liye observation bhi matlab bahut jaldi hi aa jayegi ki k operations hame perform karne hain. Har operation mein hum kisi do element ka absolute difference le rahe hain. Abhi let's focus on zero. To agar mere array mein do element same given hai mere ko, let's say 5 5, theek hai 10 10, to main un dono element ko pick up karunga. Because they are two different elements, different index पे हैं. और pickup करने के बाद I will make them absolute difference which is zero. 5 - 5 is equal to zero. और ये append करूँगा array में. इसके बाद operation करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे हमें करने पड़ेंगे because you are asked to perform k operations. But हमें answer मिल चुका है अपना, क्योंकि zero से कम answer होने नहीं वाला. और हमें zero already मिल गया है, तो ये minimum होगा. array से हम कुछ delete नहीं कर रहे, obviously हम बस add ही कर रहे हैं. तो zero answer फिक्स है कि अगर एरे में दो एलिमेंट इक्वल मिल गए. बट अगर नहीं मिले तो क्या करोगे, राइट. सो इफ इन दिस केस देर आर नो टू इक्वल एलिमेंट्स, बट लेट्स से जीरो कहाँ पे बन रहा है, जीरो इस केस में भी बन रहा है. देर आर नो टू इक्वल एलिमेंट्स, कैसे बनाओगे जीरो, बिकॉज ऑपरेशंस आर गिवन 3. तो ये भी ऑब्जर्वेशन जल्दी आ जाएगी कि जैसे एक ऑपरेशन करने के बाद मैं कोई भी अपने मनपसंद नंबर बना सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी, मतलब नॉट मनपसंद, बट लेट्स थिंक इन दैट वे. कि लेट्स से मेरे को जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वल नंबर चाहिए. अगर एरे में दो इक्वल नंबर नहीं है, दो इक्वल नंबर तुम क्रिएट कर लो किस ऑपरेशन के थ्रू. कैसे करोगे कि एक ही आई जे के पेयर पे दो बार ऑपरेशन लगा दो. कि लेट्स से मैंने एक बार इंडेक्स पिक कर लिया 3 और 4, 12 और 15, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिया 3 आ गया. दोबारा मैंने यही पिक कर लिया, दोबारा 3 आ गया, और फिर मैंने 3 3 को पिक कर लिया तो 0 आ गया. तो 3 ऑपरेशन अगर तुम्हें गिवन है तो तुम 0 ले सकते हो बड़े आराम से, ठीक है. 3 से ज्यादा है तो भी ऑब्वियसली बन ही जाएगा. तो सीधी सी बात है कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन आंसर इज इक्वल टू 0. सॉरी, इफ k इज ग्रेटर देन 2. तो ये ऑब्जर्वेशन थी मेन इस प्रॉब्लम की. क्योंकि तुमने मेजर चंक सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, 1 ही 9 तक हो सकती है. तो तुमने 1 से लेके 1 ही 9 हो सकती है और 2 के आगे का सॉल्व है. तो तुम्हें दो वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है बस, ठीक है. तो ऐसे हमने प्रॉब्लम को बहुत रिड्यूस कर लिया कि इफ k इज इक्वल टू 1 और इफ k इज इक्वल टू 2 तो क्या करना है, ठीक है. तो देखो सबसे पहली बात आती है कि अब मेरे को मिनिमम फाइंड आउट करना है. ml इज इक्वल टू, पहले तो 1 ही 9 से इनिशियलाइज कर दो. बट क्या ये सही बात है? मैं क्या करता हूँ कि एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ और a0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, a, a+n, क्योंकि दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो एरे में अभी प्रेजेंट है. तुम चाहे ऑपरेशन ना भी करो तो भी तुम्हारा मिनिमम वैल्यू 1 ही 9 नहीं होने वाला, मिनिमम वैल्यू a0 होगी जो सबसे छोटा वैल्यू एरे में प्रेजेंट है. और अगर हो सकता है कि तुम ये सब ऑपरेशन यहाँ पे जो भी करो कि डिफरेंस वगैरह ले रहे हो एब्सोल्यूट डिफरेंस, बट वो वैल्यू जो सबसे मिनिमम है वो स्टिल यहाँ से आ रही हो, a0 से आ रही हो, क्योंकि तुमने जो डिफरेंस लिया वो एलिमेंट बड़े बड़े हैं और आपस में नहीं है, मतलब यू नो उनका डिफरेंस भी बड़ा बड़ा है.
तो इट वुड बी बेटर कि हम A0, किसी केस में A0 आपका डायरेक्टली आंसर हो सकता है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ये मैंने स्टार्टिंग में नोटिस नहीं करा था, मैंने A0 को, मैंने मैंने 189 से स्टार्ट करा था, मिनिमम इज इक्वल टू 189 और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो दैट वॉज सम गिविंग सम एरर। तो या दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक दिस A0 इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये तो मेरा मिनिमम गिवन ही है, मतलब ठीक है कि इतना तो इससे छोटा होगा तो देखते हैं, वरना इतना तो मिनिमम हमारे पास ऑलरेडी है ही। 0 से लेके एन मैं इनपुट ले लेता हूँ आर ए आई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि चलो हमने आर ले लिया, हमारे पास एन है, हमारे पास के की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमें पता है क्या करना है, और के की वैल्यू अगर 1 है तो लेट्स सी। तो पहली बात तो एम एन इज इक्वल टू A0 आ गया, एक ऑपरेशन तुम्हारे पास है तो तुम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने सॉर्टिंग क्यों करी है, मतलब चलो सॉर्टिंग तो A0 फाइंड के लिए कह सकते हो, बट मैं मिनिमम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकता था। सॉर्टिंग मेरे को के इक्वल टू 1 वाले केस में हेल्प करेगी, मेरे को दो एलिमेंट्स बस, मैं एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो किसी भी दो एलिमेंट का मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों एलिमेंट एडजेसेंट होंगे, मतलब इन सॉर्टेड ऑर्डर की, जैसे 1 और 2 और 3 और 4 5 गिवन है, ठीक है। अगर ये इस ऑर्डर में गिना है 5 1 4 2 3, अगर मैं किसी भी दो एडजेसेंट लाइक 1 और 5 का डिफरेंस लूंगा तो डोंट मेक सेंस। तो 1 और 2 का डिफरेंस लेना है मेरे को, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने सॉर्ट कर दिया और 1 और 2, मतलब या ऑर्डर एडजेसेंट, यू नो दिस कि अब इन दोनों इन मतलब जो एडजेसेंट डिफरेंट है दैट इज मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो बस मैंने फॉर चलाया I1N एंड MN इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ MN कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन AI एंड AI -1, ठीक है, बस दैट्स इट। और मैंने सी आउट कर दिया MN 1 के केस में, तो तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि या तो जो ऑलरेडी मिनिमम है वो ले लो, या फिर एक बार ऑपरेशन करके जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस मिलेगा वो ले लो, तो ऐसे उसको फाइंड कर लेंगे। 2 के केस में पहली चीज तो एक तो ये चलेगा ही कि एक बार ऑपरेशन करके क्या मिल रहा है, बट फिर दूसरी बार ऑपरेशन करके क्या मिल रहा है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब दूसरी बार ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो इसका लॉजिक भी मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज ही कर लो कि दो बार ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। लाइक से किसी कोई भी एरे पकड़ लेते हैं, कोई भी एग्जांपल एरे पकड़ लेते हैं, फर्स्ट ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि दो ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, जैसे डिफरेंस वगैरह दे दिया, सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देता हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट सोचो कि मैंने मतलब ठीक है ये हमारा एरे ऑलरेडी गिवन था, मैंने एक ऑपरेशन करा कोई एलिमेंट बनाया, मैंने दूसरा ऑपरेशन करा फिर कोई एलिमेंट बनाया। अभी देखो तो सबसे पहले एक बार लिख देता हूँ सॉर्टेड 1 3 7 9 एंड 15, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड ऑर्डर। अब इसके बाद देखते हैं कि जब हम एक बार डिफरेंस लेंगे तो हमें मतलब मिनिमम वैल्यूज क्या मिल सकती है, तो 2 मिल सकता है, फिर 2 ही वैसे मिनिमम है, मतलब यहाँ से 4 मिलेगा, 7 9 से 2 मिलेगा, 9 15 से 6 मिलेगा, ठीक है, तो 2 सबसे सही लग रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ तक का काम हो गया। अब जब नेक्स्ट है कि अब मैं इनको कंसिडर कर सकता हूँ, जो मेरे को डिफरेंस वैल्यू मिली है ना, ये पहले मेरे एरे में नहीं थी, 2 मेरे पास पहले एरे में नहीं था, ना मेरे पास 4 था ना मेरे पास 6 था, अब मेरे पास 2 4 6 ये कुछ नए एलिमेंट हैं जो यहाँ पे पॉसिबल है, थर्ड जो फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें जो नई पोजीशन मेरी क्रिएट हो रही है, मतलब एन एरे तो ऑल एन एलिमेंट्स ऑलरेडी थे, तो मैं अब nth इंडेक्स फिल करना है और n+1th इंडेक्स फिल करना है, राइट। तो n+n इंडेक्स के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, तो इन सबको लो, इन सबको कंसिडर करो, और मतलब ये नहीं कि सबको कंसिडर करो, 2 को जब मैं कंसिडर करूंगा तो मैं बाकी एरे को देखूंगा कि चलो इसके बाद मैंने 2 ऐड कर दिया, ये एक नया मेरा मतलब यहाँ से मेरा ये n साइज का एरे है, यहाँ से n+1 साइज का एरे मेरा कौन सा बन सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ये सब लिखूं और इसके बाद 2 लिख दूं, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मैं ये सब लिखूं और इसके बाद मैं 6 लिख दूं, ये एक पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट, एक पॉसिबिलिटी 4 वाली है, ठीक है, बस यही 3 पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। तो इन तीनों को कंसिडर कर लो। अब इसका मिनिमम देखो कैसे निकालोगे, वही बात है कि सबका एडजेसेंट डिफरेंस लो, और मतलब जो ऑपरेशन हमने करा है कि अब तुम्हारे पास एक ऑपरेशन बचा है, ये तुम्हारा एरे है, मिनिमम क्या होगा वो देख लो, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो, मतलब ठीक है। बट इसको फिर मैंने कैसे करा था कि जैसे जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, तो 2 6 4, तो अब मेरे को बस ये चेक करना है कि देखो आपस का तो इनका ऑलरेडी सॉर्टेड है कि 1 3 5 7 9 आपस में कितना मिनिमम दे सकते हैं वो हमने सॉर्टेड कर रखा है। अब 2 एक नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, तो अब 2 को देखो बाकी सबसे कि मैंने लोअर बाउंड का यूज करा था कि जो मतलब लोअर बाउंड क्या करेगा, हमें नियरेस्ट एलिमेंट दे देगा 2 से जो सबसे मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में 2, या तो तुम ऐसा करो कि दोबारा 2 को प्लेस करो, नया एरे बनाओ, फिर सॉर्ट करो, फिर उसका मिनिमम ये ले लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो,
बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको अलाउ करेगी या नहीं पता नहीं, बट मैंने क्या करा, मैंने टू को सॉर्टेड, मैंने देखा इस ये मेरा एरे नया एरे है, ठीक है ओके, और मैंने ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट कर रखे किसी सेट में, या फिर ठीक है ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड वेक्टर है तो वैसे सेट में भी जरूरत भी नहीं थी, तो बस इसके अंदर तुम्हारा ये जो ऑलरेडी एरे गिवन है इसके अंदर तुम्हें टू का लोअर बाउंड देखना है, तो विच इज 3, ठीक है। तो एक ऑप्शन तुम्हें यहाँ से मिल रहा है कि मतलब देखो मैं टू को इंसर्ट करना था, तो मेरे को इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए कि मिनिमम डिफरेंस के लिए मेरे को उसके आगे वाला एलिमेंट मिल जाए और उससे पीछे वाला एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। अब आगे वाला तो मेरे को मिल गया, पीछे वाला भी मिल जाएगा कि जैसे हमने लोअर बाउंड से एक इंडेक्स पीछे आएंगे तो ये हमें पीछे वाला एलिमेंट मिल जाएगा और हमें बीच का मिल गया टू जो हमारे पास बताइए। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं 2 3 या 2 1, तो मिनिमम कौन सा, दोनों इक्वल है इस केस में, 1 1 दे रहे हैं हमें, ठीक है। बट हाँ तो वो ले सकते हैं कि नेक्स्ट आंसर हमारा 1 बनेगा यहाँ से, ठीक है। 2 के बाद अब 6 के लिए मैंने 6 का लोअर बाउंड फाइंड करा, 7 और 9 आया, और 7 नहीं आया, 3 और 7 आया, तो एक तरफ से 3 मिला 1 मिला, मैंने 1 को चूज करा, ये भी मेरे को 1 देगा, 4 भी मेरे को 1 देगा क्योंकि ये 3 और 7 के बीच में आएगा राइट, और 3 से इसका, तो मतलब ठीक है, ये दीज आर माई पॉसिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट पोजिशन पे है, तो तुम्हें 1 मिलेगा और केवल 1 ही मिलेगा मतलब, और ऑप्टिमल भी मतलब सबसे ऑप्टिमल वही है, मतलब इससे 1 से छोटा और भी, ठीक है। तो ऐसे करा था, तो इसके बाद मतलब मैं बता देता हूँ, मैंने सेट क्रिएट करा था, तुम एरे से भी कर लेते हो क्योंकि एरे अभी तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ा है एआई, और बट डिफरेंस की वैल्यूज को मैंने कैसे करा था, मैंने डिफरेंस की वैल्यूज के लिए आई थिंक सो मतलब मैंने किर गया, मैं सारे डिफरेंसेस पे गया, आई थिंक जैसे ये तुम्हें डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। एक तो यही चीज हो गया, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इंटर df इज इक्वल टू a(i-a)(i-1), ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका एक्चुअली एब्सोल्यूट लेने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी बिकॉज मेरे को पता ही है पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अब आता है वो लोअर बाउंड वाला काम कि int lb वेक्टर में लोअर बाउंड फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एक्चुअली एरे है तो इसमें किस वैल्यू का, df वैल्यू का, ठीक है, माइनस ए ये मेरे को इंडेक्स दे देगा आई थिंक, लोअर बाउंड का इंडेक्स, और एक मिलेगा lb माइनस माइनस से, ठीक है। ओ टू इज इक्वल टू ऑप्शन टू इज इक्वल टू ए ऑफ एल बी नाउ। अब ये हो सकता है केसेस की एल बी तुम्हारा बिल्कुल लास्ट वाला इंडेक्स मिलता, मतलब कि कोई मिलता ही नहीं, वो सबसे बड़ा होता तो हमें लोअर बाउंड में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एन मिलेगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं, इफ एल बी इज इक्वल टू एन तो तुम्हें केवल पीछे वाले से मतलब है, ठीक है, मतलब पीछे वाले से मतलब एल बी माइनस माइनस, एंड द ओनली ऑप्शन इज कि मतलब एम एन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा, डिफरेंस तुम्हारा सबसे बड़ा ही है, ठीक है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ए ऑफ एन माइनस ऐसा कुछ, ठीक है। एक ये चीज हो गई, अब इफ एल बी इज इक्वल टू जीरो है तो तुम्हें कोई आगे वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा राइट, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इससे पीछे वाला कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो बस एक ही ऑप्शन बनता है आई थिंक राइट, एम एन इज इक्वल टू एम एन मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा डी एफ माइनस डी एफ नहीं ए ऑफ जीरो माइनस डी एफ आई थिंक, या और अदरवाइज यू हैव दिस टू ऑप्शन जो तुम्हें मिलेंगे कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है लास्ट एलिमेंट नहीं है तो इससे आगे कुछ होगा इससे पीछे कुछ होगा, और एम एन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा वॉटसन मिनिमम ऑफ OP1 कॉमा OP2, अच्छा एक्चुअली OP1 में से हम DF माइनस कर सकते हैं और DF में से हम OP2 माइनस कर सकते हैं बिकॉज DF इससे बड़ा है, ठीक है। मतलब मैं एब्सोल्यूट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बिकॉज ऑफ दैट, तो अभी लास्ट में MN रिटर्न कराना और कुछ नहीं करना है, मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए काफी लोगों ने कर लिया ये वाला, बट लेंथी भी इतना नहीं है, 45 लाइंस का कोड तो ठीक ही होता है। ये पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे चीजें, बिट स्लैश stdc++.h define for Then they got a lot of fun. I think that's it. They're money buddy. They're in
वो 3 लगा दी क्या? मेन तो यही था के इक्वल टू के लिए, वरना के इक्वल टू बन गया तो सब बढ़िया। अच्छा लॉन्ग लॉन्ग ले लो भाई, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है ठीक लग रहा है ना, सबमिट कर देते हैं। हर जगह हमारी 189 वाली टेंशन बच गई, क्योंकि देखो 189 से बड़े एलिमेंट हो सकते हैं, 118 तक हो सकते हैं, तो हमें 119 लिखना पड़ता है। बट वो सब सोच रहे नहीं, क्योंकि A0 से स्टार्ट करो कि दिस इज द गिवन मैक्स मिनिमम, इससे छोटा होगा तभी हम देखना है, वरना तो ये तो है। वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, लाइक के इक्वल के देन 0 के लिए तो बहुत, ग्रेटर देन 2 के लिए डायरेक्टली 0 बहुत सिंपल है, के इक्वल टू 1 के लिए मतलब सॉर्टिंग करके एडजेसेंट डिफरेंस, ठीक है। के इक्वल टू 2 के लिए थोड़ा सा बन गया है कि पहले तो वो सॉर्टिंग करके एडजेसेंट डिफरेंस, हां एंड उसके बाद भी ये चीज है कि बाकी सारे जो गिवन एलिमेंट्स बचे हैं अभी भी एरे में, ठीक है, और किससे नजदीक है और क्या हो सकता है, ठीक है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड ही चाहिए, लोअर बाउंड और उससे छोटे वाले चाहिए, और उसमें भी मतलब देखना पड़ेगा कि अगर है ना एन है तो फिर छोटा ही मिलेगा, 0 है तो छोटा नहीं मिलेगा, केवल बड़ा ही मिलेगा, अदरवाइज दोनों मिलेंगे तो दोनों को कंसिडर करना है। बट हाँ, इस जो लास्ट वाले स्टेप को करने के काफी तरीके हो सकते हैं जो मैंने यहाँ से इतना लेंदी करा है। चलो लोअर वन तो शायद तुम्हें करना पड़ेगा, बट ये 3 इफ एल्स इफ एल्स यू नो। अबे यार अब क्या दिक्कत है, रॉन्ग टू। ओके एक सेकेंड मैं देखता हूँ वहां पे एरर है, बट लॉजिक तो यही है आई थिंक। हाँ इसमें एक इशू है कि हमें जो डिफरेंस लिया है हमने केवल एडजेसेंट एलिमेंट का लिया, राइट, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि डिफरेंस हम किसी भी एलिमेंट का ले सकते हैं, लाइक किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट का। पानी आता नहीं ज्यादा, सोचा इन सेलेरन क्या तो होगा, तो यहाँ पे बस आई माइनस वन की जगह हर जगह जे हो जाएगा, नॉट जे बट हाँ जे और आई की जगह ये हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हें वैसे करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जे गोज फ्रॉम 0 टू आई, ठीक है, डज नॉट टच आई, बट या डिफरेंस की वैल्यू हो गई एंड लोअर बाउंड निकाला उसके बाद दिस करा, राइट। ठीक है सब ठीक है, सबमिट करते हैं। मतलब द पॉइंट इज कि केवल एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस नहीं लेना है, हमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस लेना है, बिकॉज ये जो एलिमेंट की वैल्यू, मतलब मैंने यहाँ बोला कि 246 मैंने कुछ बोला था इस केस में, राइट, कि सॉर्ट करके डिफरेंस लो, भाई क्यों लो सॉर्ट करके, और मैं शायद स्टार्टिंग में कह भी रहा था कि सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है इस केस में व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस, कि सब का लो भाई, 3 और 9 का डिफरेंस लिया 6 आया, 3 और 7 का डिफरेंस लिया 4 आया, 3 और 15 का डिफरेंस लिया 12, 3 और 1 का डिफरेंस लिया 2 आया, 9 और 7 का 2 आया, 9 15 का 6 आया, और 9 और 1 का 7 आया, 8 आया जो भी है, एंड 7 15 का आया 6 यानी 8 आया, देखो 7 15 का भी 8 आ गया, तो यहाँ से हमें ठीक है, और उसके बाद 15 1 का 14 आया,
तब ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे बनाने, और उसके बाद इसका और गिवन एरे में देखना है कि कोई सेम है या फिर इक्वल है या फिर यू नो सबसे आसपास कौन है। तो 9 8 भी बहुत आसपास, इक्वल कोई नहीं है, एक के डिफरेंस पे काफी सारे दिख रहे हैं मेरे को, तो एक ही इसमें आंसर है एक्चुअली, तो इसलिए आंसर एक है यहाँ पे। बट हमने जो लेना है वो सबका लेना है, राइट? अरे गेम सबमिट। ओके आई थिंक दिस शुड पास नाउ, क्योंकि हमारे लॉजिक में गलती नहीं है, बस उसमें उस हो कंपाइलेशन। नैना देवी आने ने में विराजमान तुम वैष्णवी माता बचा विषयों से निसंतान तुम हाँ ये जो है इसको क्लोज नहीं करा हम, ठीक है? तो या समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो इसे सबमिट करते हैं इसे। ओके काफी टाइम लगा दिया हमने इस क्वेश्चन पे, बट ठीक है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था जैसे मैंने एक्सप्लेन करा। बस जो हमें डिफेंस लेने थे वो एडजेसेंट नहीं, जब 2 के केस में सारे डिफरेंस लेने हैं, क्योंकि कोई सा भी नियरेस्ट वैल्यू दे सकता है। सर्व मंगल मांगलिये श्री सर्वार्थ गे चरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो तुभ्ये ब्रह्मपुत्र सदानंद परमानंद स्वरूपे दुष्टुरुद्रे नारायण की जगह एल से हर जगह प्राणे सर्वासी देवी नारायणी नमो तुभ्ये दुर्गे प्रताप की शक्ति में शेषं जन स्वस्थ ईश्वरता मति मति सुभाम ददा सीते दुभ्याने का कुछ सी आउट कैसे करा रहा हूं मैं। इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ से एक को हटाना पड़ेगा, कोई से भी एक को हटा दो, ठीक है? छोटी मोटी ब्रैकेट वाली गलती आना करो, ठीक है? यहाँ पे सी प्रॉब्लम होता है समाप्त, ठीक है? ठीक ही प्रॉब्लम था, इतना कुछ सोचने वाला नहीं था इसमें, मतलब सो एक्सेप्टेड, ठीक है? थैंक यू।